जय हिंद दोस्तों। कंट्री सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे सूरीनाम के बारे में। हिंदुस्तान से सात समंदर पार बसा एक और हिंदुस्तान, बहुत ही खूबसूरत देश, हिंदी भाषी लोगों का एक देश सूरीनाम। इससे पहले मैंने मॉरीशस को कवर किया था, आप लोगों ने ना देखा हो तो मॉरीशस को जरूर देख लीजिएगा, लास्ट में इसके आप लोगों को उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं सूरीनाम के बारे में कुछ जानकारियाँ और उस पर डिस्कशन करते हैं। सूरीनाम दक्षिण अमेरिका के उत्तर में स्थित एक देश है, जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसके नॉर्थ रीजन में, नॉर्दर्न रीजन में स्थित है सूरीनाम। सूरीनेम जिसकी राजधानी क्या है, पारा मारीबो। पारा मारीबो का मतलब है फूलों का शहर, द सिटी ऑफ फ्लावर्स। कहा जाता है कि यह नाम भीलनियों यानी रेड इंडियंस द्वारा दिया गया है। इन लोगों की परंपरा भारतीय मानी जाती है, जिसके कारण उनकी भाषा के कुछ शब्द संस्कृत भाषा के शब्दों से मिलते जुलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में माता पिका। यह एक प्राकृतिक सुंदर स्थान है जहाँ बहुत से लोग अपनी छुट्टियाँ व्यतीत करते हैं। माता पिका जो है वह एक बहुत ही खूबसूरत स्थान है जहाँ पर लोग अपने वेकेशंस सेलिब्रेट करने जाते हैं। यदि इस शब्द के वर्ण को बदल दिया जाए तो शब्द मूल भारतीय जो हमारी लिपि है देवनागरी स्क्रिप्ट, उसका शब्द बन जाता है माता पिता, ठीक है, यानी पेरेंट्स। इस तरह से पारा मारीबो के बारे में भी अगर हम बात करें तो उसका मतलब हो जाता है, अपभ्रंश करके देखा जाए तो उसका मतलब होता है परम ब्रह्म, यानी गॉड के बारे में बात की गई है। सूरीनाम शब्द के संबंध में यह कहा जाता है कि सूरीनाम नाम की भीलनियों यानी रेड इंडियंस का यहाँ समूह था, जिसके कारण सूरीनाम नाम पड़ा। इस संस्कृत शब्द यानी सूरीनाम से तुलना की जाए तो दो अक्षरों के हेर फेर से यह विद्वानों का देश हो जाता है, यानी कंट्री ऑफ द स्कॉलर्स। इसे इस कंट्री ऑफ द स्कॉलर्स भी कहा जाता है। इस तरह से देखा जाए तो सूरीनाम के स्थानों आदि के नामों के संबंध में इतिहासकारों एवं शोधकर्ताओं आदि के लिए खोज तथा शोध को एक सुंदर अवसर है। यानी सूरीनाम जो है उनके नाम और स्थानों को अगर हम लोग रिसर्च करें तो उसमें बहुत कुछ जानकारियाँ मिल सकती हैं। हिस्टोरियंस एंड रिसर्चर्स को इस पर और भी ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है सूरीनाम के बारे में। कुछ लोगों का कहना है कि जो भिलनी लोग सूरीनाम के प्राचीन देशवासी या रेड इंडियन या भिलनी भारत के पहाड़ी क्षेत्रों के आदिवासी हैं, यानी इंडिया से वो लोग माइग्रेट करके वहाँ गए। यह बात कहाँ तक सही है केवल जाँच पड़ताल से इसे अच्छी तरह से जाना जा सकता है, इससे रिसर्च की और अभी ज़रूरत है। सूरीनाम देश की सीमा चारों ओर से प्रकृति से घिरी है, एक नेचुरल बाउंड्रीज है वहाँ पे काफ़ी हद तक, और उत्तर में इसके अटलांटिक ओशियन है, साउथ में इसे आकाराई और तुमुहमुक हिल जो सूरीनाम को ब्राज़ील से अलग कर दी है। तो ब्राज़ील और सूरीनाम के मध्य जो नेचुरल बाउंड्री बनाती है वो है तुमुहमुक माउंटेन। पूरब में इसके मारोबाई ने रिवर बहती है जैसे सूरीनाम और फ्रेंच गयाना दोनों डिवाइड होते हैं। एक नेचुरल बाउंड्री कौन बनाती है फ्रेंच गयाना सूरीनाम के मध्य में, तो ये एक नेचुरल बाउंड्री बनाती है मारोवाइने रिवर। पश्चिम में कोरंटाइन रिवर है जो ब्रिटिश गयाना से अलग करती है, ठीक है। सूरीनाम देश का क्षेत्रफल हॉलैंड देश से 5 गुना बड़ा है। हॉलैंड से अगर हम लोग इसको कंपेयर करें तो 5 टाइम्स लार्ज इसका एरिया। कुछ वर्षों तक यह देश ब्रिटिश राज का उपनिवेश था, किंतु नई गायनी को सूरीनाम में हॉलैंड ने बदल दिया। उस समय नई गायनी हॉलैंड का उपनिवेश था, हालांकि ब्रिटिश राज यहाँ बहुत दिन तक शासन न कर पाया, फिर भी उनका प्रभाव काफ़ी बना रहा। इसीलिए कहा जाता है कि नीग्रो की भाषा स्नानांग तोंगो, शायद मैं इसका प्रोनंसिएशन ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ, अगर आप लोगों को किसी को पता है इसके बारे में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 80% शब्द अंग्रेजी भाषा के हैं। यहाँ की यातायात की व्यवस्था इंग्लैंड की तरह ही है। अगर क्लाइमेट की बात करें तो इसका क्लाइमेट जो है वो है उष्णवलयी, यानी जैसा कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट है यहाँ का, मुख्य रूप से वर्षा होती है। सूरीनाम देश की 2/3 मिट्टी, 2/3 जो सॉयल है वो पहाड़ी मिट्टी है, 1/3 उपजाऊ मिट्टी है। इस देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, एग्रीकल्चर काफ़ी रिच है। निकेरी इलाका में अधिकांशतः यहाँ पर पैडी की फार्मेशन होती है, धान की खेती होती है, चावल उत्पादन होता है। इस देश का मुख्य व्यवसाय ही खेती है।
सूरीनाम में रहने वाले भारतीय प्रायः उत्तर भारत से, जो नॉर्थ इंडिया है, यहाँ से माइग्रेट करके काफ़ी लोग वहाँ गए हैं। और विशेष रूप से अगर हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश और बिहार, यहाँ के मूल निवासी थे। यहाँ की प्रमुख भाषाएं जो हैं हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, गुजराती और मराठी, ये सभी भाषाएं यूरोपीय भाषा वर्ग की है। अब भारोपीय बोला जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, यूरोपीय ना करके। हिंदी को 5 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है, पहाड़ी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी। इन भाषा क्षेत्रों में कई बोलियाँ भी हैं। सूरीनाम में हिंदुस्तानी प्रवासी लोग मुख्य रूप से भोजपुरी और अवधी बोली बोलते थे। इन बोलियों के अतिरिक्त अधिकांश भारतीय मूल के लोग जो सूरीनाम में बस गए थे, उत्तर भारत की सार्वजनिक संपर्क भाषा यानी खड़ी बोली भी जानते थे। खड़ी बोली के अलावा उर्दू का भी प्रयोग होता था। ठीक है, वास्तव में भारतीय प्रवासियों के आपसी संपर्क के कारण उनकी सभी भाषाएं मिश्रित होकर एक विशिष्ट प्रचलित हिंदी बोली जाती है। तो सूरीनाम की जो हिंदी है वो भारत की हिंदी से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया में है जो रीजन वाइज डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल है बोलने का, लेकिन सूरीनाम में वो सब मिक्सअप हो गया है, तो कहीं ना कहीं उसमें एक नई भाषा का जन्म हुआ। लेकिन बोली का कह सकते हैं, भाषा का नहीं, भाषा हिंदी है, उनकी एक नई बोली का जन्म हो गया है जो वहाँ पर प्रचलित है। साहित्य और अध्यापन के प्रभाव से हिंदुस्तानी या उर्दू, मुस्लिम और सामान्य उच्च हिंदी, हिंदू ज़्यादातर मानक भाषा का रूप धारण करने लगी। ठीक है, वर्तमान समय में इस भाषा का प्रयोग जो शुद्ध हिंदी है, जो खड़ी बोली का प्रयोग है, जो सूरीनाम में प्रयोग किया जाता है, वो ज़्यादातर स्पीचेस में, लेटर राइटिंग में और जितने भी एडवाइजरी जारी की जाती है, आदमी शुद्ध हिंदुस्तानी या सरल उच्च हिंदी के रूप में होता है। बोलचाल की अगर भाषा की बात करें तो स्थानीय भाषाओं का भी प्रभाव आ गया है। गुयाना पड़ोसी देश है, उससे पश्चिमी प्रांत निकेरी में अंग्रेजी का प्रभाव भी पड़ा है। इसी में एक बोली स्नानांग तोंगो, जिसे नीग्रो इंग्लिश भी कहा जाता है, वो बोली जाती है। वास्तव में अधिकांश भारतवंशी होने के कारण, जो वहाँ के अधिकांश लोग हैं वो भारतीय हैं, इसलिए उनकी बोलचाल की भाषा सूरीनाम की धरती पर विकसित हुई, जिसे सरनामी हिंदी कहा जाता है। मैंने कहा था कि इंडिया की हिंदी से वहाँ की हिंदी थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि मिक्स हो गई है सारी, तो जो नई हिंदी बन के सामने आई उसको हम लोग बोलते हैं सरनामी हिंदी। काफ़ी खूबसूरत नाम है। अब वो केवल सरनामी से ही जानी जाती है। हिंदी के अलावा बहुत से भारतवंशी स्नानांग तोंगो भी बोलते हैं, जो इंग्लिश का एक बदला हुआ रूप है। विशेष रूप से पुरुष वर्ग और युवा वर्ग हिंदी के अतिरिक्त यह भाषा अच्छी तरह से बोलते हैं। परिवार में युवा वर्ग प्रायः सरनामी का ही प्रयोग करता है, जो हमारी वहाँ की लोकल लैंग्वेज बन गई। पारा मारिबो, जो कैपिटल है, में भारतवंशियों द्वारा हिंदी के अतिरिक्त डच लैंग्वेज का भी प्रयोग किया जाता है। कुछ ऐसे परिवार हैं जहाँ हिंदी समझी नहीं जाती, ये परिवार बहुत समय पहले से पारा मारिबो में बसे हुए हैं। अब कई भारतवंशी हिंदी सीखने की कोशिश भी वहाँ कर रहे हैं। भारत के बाहर भारत का होना बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि अगर आप मॉरिशस जाते हैं, फिजी जाते हैं, त्रिनिदाद एंड टोबैगो जाते हैं, या फिर आप सूरीनाम जाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है कि अपने लोग हैं वहाँ पर, अपनी संस्कृति वहाँ मिलती है। तो भारत के बाहर कुछ ऐसे देश हैं जहाँ भारतीय धर्म और संस्कृति फलफूल रही, उन्हीं देशों में सबसे प्रमुख है सूरीनाम। दक्षिण अमेरिकी द्वीप में भारतीय मूल के लोग करीब 200 वर्ष पूर्व किरमिटिया मजदूर के रूप में सूरीनाम गए थे। गन्ने की खेती के लिए जिन मजदूरों को ले जाया गया उन्हें किरमिटिया कहा जाता था। यहाँ के लोग भारतीय संस्कृति और सभ्यता से आज भी गहराई से जुड़े हुए हैं। सूरीनाम यूरोप से अटलांटिक महासागर पार करते हुए लैटिन अमेरिकी देश सूरीनाम उत्तरी छोर पर नजर आता है। 1975 में इस देश को नीदरलैंड से आज़ादी मिली। यहाँ की आबादी कुल 5 लाख है। वर्तमान की करंट सेंसस क्या है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पर भारत के किसी छोटे से राज्य की छोटी सी राजधानी के छोटे से हवाई अड्डे जैसा हवाई अड्डा है पारामारिबो। लेकिन आज स्थिति बदल गई है। वहाँ अभी लेटेस्ट नए प्रेसिडेंट बने हैं, जिस पर हमने एक वीडियो पहले से बना रखी, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। तो आने वाले समय में एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा, आई होप तेज़ी से विकसित करेगा और तेज़ी से। थोड़े दिनों तक चाइना के फेवर में और वेनेजुएला के फेवर में आने की वजह से सूरीनाम पे काफ़ी ज़्यादा सैंक्शंस लगाया गया था, जिसकी वजह से उसकी स्थिति थोड़ी सी खराब हो गई थी, लेकिन आई होप ये सारी स्थितियाँ जल्दी सुधर जाएंगी। पारामारिबो जो कि सूरीनाम की राजधानी है,
यहाँ की औपचारिक भाषा हमने पहले बोली डच, लेकिन सभी को हिंदी या भोजपुरी में बात करते देख आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वहाँ पे भारतीय लोग यहाँ की कुल आबादी का 38% हिस्सा है। सूरीनाम में बहुत से मंदिर हैं। यहाँ सूरीनाम नामक एक नदी भी बहती है जिसे श्रीराम के नाम से भी जाना जाता है। सूरीनाम की जनसंख्या करीब 5 लाख है, एक बार जरूर इसको करेक्ट करिएगा, जिसमें करीब 38% हिंदू हैं। सूरीनाम के पारामरीबो में भी कुंभ का आयोजन होने लगा है। सूर्य कुंभ पर्व के नाम से प्रसिद्ध इस अनोखे मेले का आयोजन हर साल होता है। सूरीनाम द्वीप 10 जिलों में सिमटा हुआ है, ब्रोकोपोंडो, कोमेविंजे, कोर्निए, मारोविंजे, नेकेरेइए, पारा, पारामारिबो, सारामाचा, सिपालिविनी और वानीचा। तो आई होप आप लोगों को सूरीनाम के बारे में जान के अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें वीडियो आपको कैसा लगा। और जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो लोग नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।